हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। किसी ने अगर दिल तोड़ दिया हो तो उससे नजरें मिलाना तो दूर की बात है, अक्सर लोग उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कई बार अलग होने के बाद आपको एहसास होता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के साथ भले ही दोबारा वो रिश्ता नहीं रख सकते, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो रख ही सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसे ही टीवी कपल्स के बारे में जिनका ब्रेकअप तो काफी अगली था, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। कुशाल टंडन और गौहर खान। कुशाल टंडन और गौहर खान बिग बॉस 7 के दौरान एक दूसरे से मिले, यही इन्हें प्यार हुआ। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस के घर से बाहर हुए, दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप काफी अगली रहा था। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई थी। हालांकि कहते हैं ना, समय सब कुछ बदल देता है, वैसे ही खुशाल और गौहर के बीच भी सब कुछ बदल गया और वो दोस्त बन गए। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शादी के अगले दिन गौहर इत्तेफाक से कुशाल से टकरा गई, तो उन्होंने उन्हें ना सिर्फ शादी की बधाई दी बल्कि अपने सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियोस शेयर की। करण कुंद्रा और कृतिका कामरा। दोनों ने सीरियल कितनी मोहब्बत है में लीड रोल निभाया था। इस रोमांटिक सीरीज में दोनों के पर्दे का रोमांस रियल लाइफ में भी आ गया था। दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया था। दरअसल दोनों अपने इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए थे। डेटिंग के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें अभी मीडिया में चल ही रही थी कि थोड़े समय बाद दोनों को एक साथ देखा गया। ऐसे में फैंस को लगा कि शायद वो दोबारा रिश्ते में वापस आ चुके हैं। कृतिका ने इन अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि वो और करण सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनका उसके आगे कोई रिश्ता नहीं होने वाला है। कृतिका ने आगे कहा था, आपको समय के साथ समझ में आता है कि आप अपने एक्स के साथ सिर्फ दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। अदा खान और अंकित गेरा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड ने उस पर एक नहीं बल्कि 3 बार चीट किया था और वो फिर भी उसकी दोस्त है, तो शायद ही कोई और ऐसा करे। लेकिन अदा खान और अंकित गेरा के साथ कुछ ऐसा ही है। अदा खान और अंकित गेरा का रिश्ता हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड था। अदा ने एक इंटरव्यू में ये बात रिवील की थी कि कैसे अंकित ने उन पर 1-2 नहीं बल्कि 3 बार चीट किया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। खबरों के मुताबिक अदा खान के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अंकित गेरा रूपल त्यागी को डेट कर रहे थे। ऐसे में 2013 में अदा और अंकित का ब्रेकअप हो गया था। हालांकि सालों बाद दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना सही समझा। तभी तो 2017 में अदा खान और अंकित गेरा को पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा की सगाई में एक साथ देखा गया था, जो कि इस बात का सबूत है कि दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। नारायणी और गौरव। नारायणी और गौरव चोपड़ा टीवी के सबसे फेवरेट कपल्स में से एक थे। जब फैंस ने सोचा कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तभी दोनों ने अलग होने का ऐलान करके सभी को बड़ा झटका दिया था। हालांकि नारायणी और गौरव ब्रेकअप होने के बाद भी अच्छे दोस्त रहे। कुछ समय पहले दोनों को राजीव खंडेलवाल शो में भी देखा गया। शो में दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए नजर आए। इसके अलावा गौहर ने ये बात भी रिवील की कि कैसे नारायणी के हस्बैंड के साथ उनकी काफी अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों में दोस्ती है और एक साथ हैंग आउट भी करते हैं। तो ये थे टीवी के ऐसे कपल्स जो ब्रेकअप के बाद भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इस न्यूज रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।